अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं भी खैरियत से हूँ और मैं अभी सीता मैम का वीडियो देख रही थी, उनके ऊपर सब इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनकी खुद की बहनों ने इल्जाम लगाया है और उन्होंने इतना डिप्रेशन हो गई है कि उन्होंने अपने बाल काट लिए हैं और अपनी आईब्रो को भी शेव कर लिया है। बस मैं क्या बताना चाहती हूँ उनकी कि वो खुद इस रास्ते से गुजरी हैं तो वो अपनी खुद की बहन को इस रास्ते पे कैसे डालना चाहेंगी। इसलिए बस मैं उनसे ये कहती हूँ कि अपनी बच्चों का ख्याल रखें, उनके 3 बच्चे हैं, उनको जब आपका कोई नहीं हो सका तो आपके बच्चों का कौन होगा, उनका कौन, आपको कुछ हो गया तो उनका कौन ख्याल रखेगा। बस मैं उनके सारे ब्लॉग देखती थी और वो इतनी अच्छी हैं, इसलिए बस मैं उन थोड़ा सा वीडियो देख देख के मेरा भी दिल करा कि मैं भी कुछ बोलूँ उनके लिए। मैं बस उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और सब अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा और अगर आप सही हैं तो आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। बस आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए, सामने आइए, सबसे बातें करिए, अपने पहले की तरह ब्लॉग बनाइए, सब ठीक हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और वो मुझे बहुत मतलब अच्छी लगती थी क्योंकि मैं उनकी अच्छी लगती है, मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, सारे ब्लॉग्स देखती थी मैं उनके। आप पहले की तरह ब्लॉग बनाइए, सब ठीक हो जाएगा। और मैं अब खाना बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा था आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ, उन तक बातें पहुँचा दूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो ठीक रहें। चलो तो हम खाना बनाते हैं, मैं अब चिकन कॉर्न बनाने जा रही हूँ और आपको शेयर करती हूँ रेसिपी। चलिए चलो हम सालन बना लेते हैं, चिकन का सालन बनाएंगे और जो नॉन वेज नहीं खाता है वो लोग इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि उनको बुरा नहीं लगे, इसकी वजह से मैं कह रही हूँ। और 1 kg ये है चिकन है और इसको चलो हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 चम्मच तेल है सरसों का, हमारे यहाँ तेल थोड़ा ज़्यादा गलता है वो आप देख लेना। ये हमारा तेल हो गया है, इसके बाद हम इसमें मखाने लिए हैं, मैंने 20-25 इसको फ्राई कर लेंगे इसमें। ये फ्राई हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। ये 6 या 7 प्याज हैं जिसको मैंने चॉप बारी बारी काट लिया, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ऐसे कर देंगे जिससे इसका तेल जो इसमें है वो निकल जाए। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे, तो भूनेंगे थोड़ा जिससे इसका कच्चापन चला जाए। ये गोश्त हमारा भून गया है, जब ये रेड रेड इसका खत्म हो जाता है और ये व्हाइट सा हो जाता है तो समझ लो ये गोश्त भून चुका है, रेडनेस इसकी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम ये
लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें 2 चम्मच। इसको भून लेंगे जिससे लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। ये हमारा अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी भून चुका है। इस पे अब हम 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और थोड़ी 1 पिंच हल्दी। हल्दी वैसे हम डालते हैं लेकिन थोड़ी बहुत डाल दे रहे हैं, इससे कलर भी अच्छा आता है। मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि तो बहुत से घरों में ज़्यादा खाया जाता है, बहुत से घरों में कम खाया जाता है। मिर्च थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, तो थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ। भूनने देते हैं मसाले को, जब तक चिकन में मिलने देते हैं। इसे हम 2 मिनट भून के रखेंगे जिससे वो भून जाए, इसका जो सालन है वो मसाला वगैरह जो भून जाए इसका। 2 मिनट हम ढक के रखेंगे, वो उसमें इसका वो नमक मिर्च का टेस्ट पहुंच जाए। ये 1 चम्मच के करीब गोले का बुरादा है, आप लोग खाएं तो डालिए, नहीं तो हमारे यहाँ पे खाया जाता है इसलिए से मतलब डाला जाता है इसमें, इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये कोरमा बना रहे हैं ना, कोरमा में हमारे यहाँ डलता है। वो सिर्फ था नहीं 1 चम्मच ही था, तो मैं वही डाल दे रही हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए कैसे भून रहा है, ये साइड से तेल भी छोड़ रहा है, तो ये समझो ये भूनना है। ये दही है, 1 बड़ा स्पून के करीब दही है। ये दही को डाल के इसको हम चिकन को भून लेंगे, इससे दही में चिकन में अब्जॉर्ब हो जाए। इसको थोड़ा सा चलाते रहना जब दही डालना, क्योंकि वो फटने का डर रहता है। भूनना है और इसको अब 2 मिनट ढक के रख देना जिससे ये भून जाए। देखिए हमारी दही भूनने लगी है। गोश्त भी गलने लगा, गल गया है, 90% गल गया है। ये दही हमारी भून चुकी है। अब इसके बाद ये जो हमने प्याज और मखाने का तले थे जो, उसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लिया। अब तो पाई मतलब पतला भी पीस सकती है, उन्होंने थोड़ा दरदरा रखा है, उसको डाल देंगे। इसमें अपने हिसाब से तुम पानी डाल सकते हो, जितना पानी आपको डालना है ज़्यादा। वैसे कोरमे में ज़्यादा पानी नहीं डलता है, थोड़ा ऐसा भुना हुआ सा ही बनता है। देखिए
कितना अच्छा कलर आया माशाल्लाह। और आपको ये खाने में भी अच्छा लगेगा, आप घर पे बना के देखिएगा। ये मैंने गरम मसाला थोड़ा सा घर में ही पीसा था तो मैं वो डाल देती हूँ। एक चम्मच के करीब होगा, इसको देखते देखते एक सेकंड के लिए पकाते हैं, फिर इसको एक पका के फिर इसको बंद कर देते हैं। ये पक चुका हमारा रेडी हो चुका है, आप लोग भी घर में बना के देखिएगा किस तरीके से ये हमारे यहाँ कोरमा इस तरीके से बनता है। और आप बना के देखिएगा और देखिए ये फाइनल टच देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। अब ये हमारा सालन बन चुका है, अब मैं रोटी बनाऊंगी। एक बार देख लीजिए आप, क्योंकि पहले तो ये बन चुका हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद आप चाय से, चावल से खाइए या रोटी से खाइए, जैसे जिसके यहाँ पे खाया जाता है। अब मैं भी रोटी बनाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। चाची नमाज पढ़ रही है। ये दोपहर का लंच लग गया, देखिए उमर खाना खा रहे हैं और अभी मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा लाओ पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि वो तो आएंगे नहीं वीडियो में। आइए आप लोग भी खाइए। खाना खा के बच्चे लेट गए हैं और सोने की तैयारी हो रही है, तो मैं भी अब आपसे अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। और दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और अल्लाह हाफिज़। चलो हम सालन बना लेते हैं, चिकन का सालन बनाएंगे। और जो नॉन वेज नहीं खाता है वो लोग इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको बुरा नहीं लगे, इसकी वजह से मैं कह रही हूँ। और 1 kg ये है चिकन है, और इसको चलो हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 चम्मच तेल है सरसों का, हमारे यहाँ तेल थोड़ा ज़्यादा डलता है, वो आप देख लेना। ये हमारा तेल हो गया है, उसके बाद हम इसमें मखाने लिए हैं मैंने, 20-25 इसको फ्राई कर लेंगे इसमें। ये फ्राई हो गए हैं, ये निकाल लेते हैं। ये 6 या 7 प्याज हैं जिसको मैंने चॉप बारीक बारीक काट लिया, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ये पहली बार ही देख रही हूँ। ऐसे कर देंगे जिससे इसका तेल जो इसमें है वो निकल जाए। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे, जिससे इसका कच्चापन चला जाए। अभी हमारा सालन बन चुका है, अब मैं रोटी बनाऊंगी, एक बार देख लीजिए आप, क्योंकि पहले तो
ये बन चुका है हमारा, रेडी हो चुका है। इसके बाद आप चाय से, चावल से खाइए या रोटी से खाइए, जैसे जिसके यहाँ पे खाया जाता है। अब मैं भी रोटी बनाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। खाना खा के बच्चे लेट गए हैं और सोने की तैयारी हो रही है, तो मैं भी अब आपसे अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। और दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और अल्लाह हाफिज़।